हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलम्स रसोई। चलिए आज बनाते हैं लच्छा पराठा। आप इसे अपने पसंद की सब्जी, दही या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बोल में लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, 4 लहसुन की कली, 3 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च डालकर इन्हें कूट लेंगे। इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है, आटे में मिला लेंगे। 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच काला तिल, कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लेंगे। आटे से लोई लेंगे, इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी के ऊपर घी को अच्छे से लगा लेंगे। ऊपर से छिड़केंगे थोड़ा सूखा आटा, इसके पतले पतले स्ट्रिप काट लेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि इसके लेयर अलग अलग रहें। इसे हल्के से रोल करके हल्के हाथ से इसे दबा के थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तवे को अच्छे से गर्म करके गैस धीमी कर देंगे। धीमी गैस पर इस पे घी डाल के दोनों साइड से उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये देखिए, इसमें कितने सारे लच्छे बने हैं। आप इसे अपने पसंद की सब्जी, चटनी या फिर दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पे शेयर कीजिए। और ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।